Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. वेलकम बैक गाइज, मैं संदीप कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है शिमगा मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो जारी हो चुका है। ये एक मराठी मूवी है। आपको बता दें कि ये मूवी जैसे कि बॉलीवुड की मूवी सिम्बा है उसी की तरह इस मूवी को जो शूट किया गया है सिम्बा की तरह इसकी मूवी स्टोरी दिखाई गई है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके अंदर जो सुपरस्टार है जो भूषण प्रधान एंड राजेश श्रृंगारपुरी इसके अंदर ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस देते हुए जो एक्टिंग के लिए अपने फैंस का एक बार फिर से दिल मोह लिया है। आपको बता दें कि ये मूवी जो है 15 मार्च को रिलीज होने वाली है और मराठा के बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ज़बरदस्त कमाल कर सकती है क्योंकि मराठी मूवी जो पहले भी रिलीज हो चुकी है काफ़ी मराठी मूवी वो इतना जो है बॉक्स ऑफिस पे धमाल या कलेक्शन नहीं कर पाई है जितना इस मूवी की कलेक्शन करने की संभावनाएं बताई जा रही है। और आपको बता दें कि दोस्तों ये मूवी के अंदर कुछ स्पेशल जो आपको देखने को मिलता है वो है सिनेमेटोग्राफी यानी इसको कोरियोग्राफी जो इस मूवी के अंदर जो लिया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के जो सीन इसके अंदर दिखाए गए हैं जैसे कि आग लेके दौड़ना एंड कुछ फाइट के सीन है एंड कुछ जो फैमिली ड्रामा के जो सीन है इस मूवी के अंदर जो इस मूवी को डिफरेंटली एक दूसरे से अलग बनाते हैं। और आपको बता दूं कि दोस्तों ओनली मराठी के अंदर ही नहीं बल्कि जो है पूरे इंडिया के अंदर इस मूवी की जो है धूम मची हुई है। इस मूवी के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है तरह तरह के इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यू भी मिल रहे हैं क्योंकि शिमगा मूवी जो है सिम्बा मूवी से रिलेटेड है इसी वजह से जो ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त जो उनका नाम मैचिंग होने की वजह से जो एक काफ़ी आग लगाए हुए है जो सिनेमा मार्केट के अंदर। आप लोग क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में हमारी इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं संदीप कुमार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रिएक्शन रिव्यू के साथ में। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।